मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ जुपिटर की बात करने वाली हूँ क्योंकि जुपिटर का बड़ा ट्रांजिट 2023 का सबसे बड़ा ट्रांजिट है। उसके अलावा एक और योगा बन रहा है। देखिए योगा एक्चुअली काफ़ी सारे बन रहे हैं जैसे जुपिटर ने ट्रांजिट किया है मेरीज। पहला तो गुरु चांडा योग बन रहा था जिसके बारे में मैंने मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं जुपिटर के लिए, और गुरु चांडा योग का भी मैंने वीडियो बनाया है। जब भी गुरु या जुपिटर राहु के संपर्क में आते हैं या राहु के साथ कंजक्शन में होते हैं एक हाउस में, तो वहाँ पर गुरु चांडाल योग का योग बनता है। ठीक है, एक और योग की मैं बात करने वाली हूँ आज सभी के लिए, सारे जोड़े साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। वो योग का नाम है पाप कर्तरी योग। कर्तरी योग भी दो तरह के होते हैं। देखिए कर्तरी का मतलब होता है कैची सीजर, कर्तरी मतलब कट करना किस चीज़ को। ठीक है, ये दो तरह के योग हो रहे हैं बनते हैं। मैं आपको फ्रिक्वेंटली इसके बारे में थोड़ा बता दूं। एक तो होता है पाप कर्तरी योग, एक होता है शुभ कर्तरी योग। ठीक है, दोनों ही कर्तरी योग कहलाते हैं। फोर्सेस ऑफ द टू थिंग्स, ठीक है, प्रेशर ऑफ द टू थिंग्स आप कह सकते हैं इस चीज़ को। ये कैसे बनते हैं पहले मैं आपको शुभ कर्तरी योग के बारे में बता दूँ। शुभ कर्तरी योग बनता है जैसे आपके किसी भी हाउस की बात कर लीजिए, पूरा आपके जो 12th हाउस होते हैं आपके होरोस्कोप में, किसी भी हाउस के 12th और 2nd में अगर शुभ प्लैनेट होते हैं, मान लीजिए आपका 1st हाउस है और आपके 12th हाउस में वीनस है और आपके 2nd हाउस में जुपिटर है, तो आपका जो 1st हाउस है वहाँ पर शुभ कर्तरी योग बन रहा है, बनता है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल प्लेस पर बैठे हुए हैं। वीनस जो है 12th में एग्जॉल्टेड होते हैं और 2nd हाउस के कारक होते हैं जुपिटर, तो ये शुभ कर्तरी योग यानी कि दोनों मिलकर के आप अपनी जो इफेक्ट्स है या अपनी जो ऊर्जा है एनर्जी है उसको फोर्स कर रहे हैं आपके 1st हाउस में। ठीक है, तो दोनों का ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है इस तरह से। आप कहीं भी इसको कर दीजिए, मान लीजिए आपके 2nd हाउस में बन रहा है क्योंकि आपके 1st हाउस में वीनस है या शुभ प्लैनेट्स है, और 3rd हाउस में आपका कोई शुभ प्लैनेट है तो वो 2nd हाउस में बन गया। इस तरह से 12th हाउस में आप कहीं भी इसको काउंट कर सकते हैं। ये तो हो गया शुभ प्लैनेट, शुभ कर्तरी योग। शुभ प्लैनेट कौन से होते हैं, जैसे आप जुपिटर, उसके अलावा सन, मरकरी, वीनस, मून, ये जो 5 प्लैनेट्स हैं दे आर वेरी वेरी शुभ प्लैनेट्स। ठीक है, और अब बात करते हैं पाप कर्तरी योग के बारे में। वही सेम फोर्स वाली बात मैं बताने वाली हूँ। कर्तरी यानी वही आपका जो उसको जो एनर्जी है वो डालते हैं। पाप कर्तरी योग होता है कि जब दो मेल्फिक प्लैनेट कौन से होते हैं, शनि, मार्स, राहु एंड केतु, ये जो 4 प्लैनेट हैं अगर ये किसी भी हाउस में 12th या 2nd नंबर पे आते हैं, बैठे हुए हैं या ट्रांजिट भी कर रहे हैं, तो वो जो एरिया है या वो जो हाउसेज है वहाँ पर ये पाप कर्तरी योग बनता है, क्योंकि दोनों ही जो नेगेटिव प्लैनेट्स है या कहकर से तमासिक प्लैनेट जिसे कहा जाता है, वो दोनों ही प्लैनेट जो है उनमें फोर्स डाल रहे हैं पर्टिकुलर एक प्लैनेट में दोनों साइड में। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी ऐसे घर में रहते हैं, आप अगर बीच में हैं और इस तरफ भी ऐसे लोगों का घर है जो आप उनको पसंद नहीं करते, इधर भी ऐसे लोगों का घर है जो आपको पसंद नहीं करते। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको इधर से भी बहुत शोर आता है या वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं या एक ऐसे निगेटिव लोग रहते हैं, इधर भी ऐसा होता है, तो उन दोनों का जो फोर्स मिल करके आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। और अगर दोनों जगह अच्छे शुभ लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, पॉजिटिव लोग रहते हैं, तो आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो इस तरह से ये पाप करते ही योगा, शुभ करते ही योगा बनता है। अभी मैं आज इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जुपिटर ने जैसे ट्रांजिट किया है मेरीज, और ये 1 मई 2024 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जुपिटर जो है कंबशन से बाहर आ गए हैं, इफेक्ट डालने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल पर, अपने संपूर्ण इफेक्ट संपूर्ण ब्लेसिंग से हम सबको मतलब आगे प्रभावित करने वाले हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे, कंबशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो जैसे ही बाहर आएंगे कंबशन से तो रुके हुए काम पूरे होंगे, हमारी लाइफ में गति आएगी, हमें जुपिटर की वो सारी आई कैन से पॉजिटिविटी मिलेगी जिसके लिए हम रुके हुए थे। यानी वो ना हमारी ज़िंदगी ऐसे कि जुपिटर ही नहीं है तो फिर क्या। जुपिटर सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है, ब्लेसिंग्स देता है, विजडम का कारक है, हमारी आई कैन से एजुकेशन का कारक है, संतान का कारक होता है, आपके बिजनेस का कारक होता है, आपके मनी का कारक होता है, फाइनेंस का कारक होता है, फादर फिगर का कारक होता है, स्पिरिचुअल लेवल का कारक होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द गॉड का कारक होता है, आपकी उन सब आपकी किस्मत का कारक होता है, भाग्य का। सबसे बड़ी चीज़ है कि जुपिटर भाग्य का कारक होता है।
आपका लकी जो होता है ना, लकी जो प्लैनेट है दैट इज ए लक को देता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में जुपिटर का वास होता है, जुपिटर तारक होते हैं नाइन्थ हाउस के, कालकुश कुंडली की अगर बात करते हैं, और नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य स्थान है, ठीक है। तो ये जुपिटर अब उदय हो गए हैं तो हमें अच्छे से ब्लेसिंग मिल रही है और हमें उनका प्रभाव भी फील हो रहा है, ठीक है। तो कंबशन से बाहर आ गए हैं जुपिटर, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैं जब कर्तरी योग की बात कर रही हूँ, अब पाप कर्तरी योग बन रहा है, सारी कुंडली में बन रहा है, सभी कुंडली में बन रहा है, बिकॉज ट्रांजिटिंग की वजह से ही पाप कर्तरी योग बन रहा है और इफेक्ट डालने वाला है ये टिल अक्टूबर, यानी 30 अक्टूबर तक ये आपके इफेक्ट डालने वाला है। अब पाप कर्तरी योग कैसे बन रहा है, क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों ही मिल करके एक पर्टिकुलर जो बीच में जो हाउस है वहाँ पर कर्तरी योग बना रहे हैं। पहले वहाँ पर जुपिटर थे तो जुपिटर कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस किया हुआ था जुपिटर ने, ठीक है। लेकिन अब जुपिटर ट्रांसिट कर चुके हैं तो वो जो खाली हो गई, वो हाउसेस खाली हो गए हैं, हाउसेस खाली हो गया है और वहाँ पर पाप कर्तरी योग बन रहा है, पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है। सारे जोड़ी सैन के बारे में बताने वाली हूँ और आपको अलर्ट किस चीज़ में रहना है मैं इस चीज़ का जरूर आपको बताऊँगी सारे जोड़ी सैन को। और सबसे पहले मैं एक और आपसे बात करना चाहूँ, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं इस समय, वो ये है कि आप सब प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम भी मिले और वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आप सब उसे देख सके, जैसे ही मेरे नए वीडियोस आते हैं आप उसे अपडेट भी रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं सारे जोड़े सैन की। सबसे बात करते हैं एरीज वालों, एरीज वालों के लिए फर्स्ट हाउस में इस वक्त जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं, ठीक है। पाप करते रहिए होगा आपका बन रहा है ट्वेल्थ हाउस, ठीक है, क्योंकि इलेवेंथ हाउस में आपके सैटर्न है और आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, तो आपका जो ट्वेल्थ हाउस है वो खाली है और वहाँ पर पाप प्रतियोगिता बन रहा है, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट है राहु और सैटर्न दोनों ही जो है निगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं या फिर मैल्फ्यू प्लैनेट माने जाते हैं। दोनों का जो एक आइकन से एनर्जी जो है, ठीक है, वो आपके ट्वेल्थ हाउस में होगी। आपको करना क्या है, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट हाउस में आपके इस वक्त जुपिटर है, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे सा थॉट प्रोसेस है, बहुत अच्छी सी आपकी जो विचारधाराएं हैं वो बदलेंगी, आपको अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपका दिमाग अगर आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा, विजडम एजुकेशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी, आपके आई कैन से विचारधारा टूवर्ड्स योर स्पाउस, टूवर्ड्स योर आई कैन से किड्स, इन सब चीज़ों में भी आपका फैलाव होगा, अच्छा, बहुत अच्छा आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। पाप कर्तरी योग से बचने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बैड हैबिट से दूर रहना है, पहली चीज़ तो ये तेरी जोर की बात करें। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आपको हो सकता है इस समय आपको कभी डिले का फीलिंग होगी, कुछ चीज़ें डिले हो रही है, काफ़ी चीज़ें डिले भी होती हुई नजर आएगी इस समय, ठीक है, क्योंकि सेकंड की थर्ड एस्पेक्ट भी आपको इस वक्त मिल रही है फर्स्ट हाउस को, काफ़ी चीज़ें आपको डिले फील होगी आपकी जो प्लानिंग्स है उसके अंदर। उसके अलावा आपको खर्चे से बचना है, आपको बैड हैबिट से बचना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इस समय आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। एरीज वालों की बात करें, पाप कर्तरी योग आपका ट्वेल्थ हाउस बन रहा है तो कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति बना कर रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए इनकेस उसका ध्यान रखना है, और किसी भी तरह का अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको काम नहीं करना है। दैट इज़ फॉर द एरीज के लिए मेरी ये टिप्स। ट्वेल्थ हाउस है ना, व्यय हो रहा है, व्यय आपकी शक्ति का हो रहा है, आपकी हेल्थ का हो रहा है, आपके मनी का हो रहा है, आपकी ट्वेल्थ हाउस इज योर व्यय वाली पोजिशन होती है, जो हमारी एनर्जी है वो व्यय हो जाती है, वहाँ खर्चा हो जाती है, मतलब बिना अनायास खर्चा हो जाती है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये जो मैंने सारे आपको टिप्स बताए हैं इसमें आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तब आप ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जो जुपिटर का ट्रांजिट है उसको आपको प्रॉपर आइकन से कैश कर पाएंगे। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं जुपिटर, विदेशों से आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स इस वक्त मिल रही है, काफ़ी जो स्पिरिचुअल आपको मन भी इस वक्त होगा, उसके अलावा आप काफ़ी कनेक्शन विद द गॉड भी फील करेंगे, यानी कि जो वो समय जो था ना मोड़ा मोड़ा सा उनमें आपको थोड़ा मैनेजमेंट फील करेंगे इस समय, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि आपका पाप कर्तरी योग कहाँ बन रहा है, टॉरस वालों की अगर बात करती हूँ तो आपके बन रहा है ये इलेवेंथ हाउस। कहीं ना कहीं आपकी इनकम में आपको लगेगा कि कुछ रुकाव सा फील हो सकता है आपको, कि इनकम में आपको रुकाव फील हो रहा है। उसके अलावा आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कब इस वक्त किसी भी तरह का एक होता है ना कि अनऑस्पिशियस वे मत ढूंढिएगा। जैसे आपकी इनकम कम होगी, आपको लगेगा कि आपका गेनिंग में कम हो रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है मैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ भी काम कर लूँ, ठीक है। इस चीज़ में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है।
और मतलब ये नहीं कि ठीक है मैं कोई भी काम कर लूँगा, मुझे मुझे इनकम चाहिए बस, कैसे मुझे पैसा कमाना है या मुझे गेन करना है या मुझे हमारी मेरी डिज़ायर्स को या मेरी जो विशेज़ है उसको फुलफ़िल करना है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको नहीं चलना है, उसके अलावा आपको कोई भी अनऑस्पिशियस या आई कैन से अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना है रिगार्डिंग योर इनकम। मैं स्पेशली आपकी इनकम की बात कर रही हूँ टॉरस वालों की, इस बात पर आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है इस वक्त आपको लगे कि आपकी इनकम बहुत डल हो रही है, कम हो रही है, एक्सपेक्टेड आप जो सोच रहे थे कि मुझे इनकम बढ़ जाएगी या कोई नया पैकेज आपको बड़ा मिल जाएगा, हो सकता है इस वक्त फील हो कि आपको नहीं मिल रहा, बट बी अलर्ट, डोंट डू द आई कैन से वो कहते हैं ना अनऑथराइज जगह जाना या किसी के साथ भी काम कर लेना बिकॉज ऑफ द मनी, इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक, अब मैं बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। आपके 11th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कहीं ना कहीं इस वक्त आपको ये भी लग रहा है कि आपको डिले सभी सारे जोड़े से अंदर से फील होगा बिकॉज सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स आ रही है जुपिटर के ऊपर भी, तो बट इनकम के सोर्सेज डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे, बढ़ान तो होगी डेफिनेटली। ठीक है, जेमिनी वालों के 10th हाउस में ये पाप कर्तव्य योग इस वक्त बन रहा है, का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर से या अथॉरिटी लेवल से या आपके जो सीनियर है बॉसेस की बात मैं कर सकती हूँ, वहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम कम होता हुआ सा नज़र आएगा। हो सकता है बॉसेस के साथ आप में कुछ आई कैन से मतलब डिबेट्स हो जाए या कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या आपको उनके द्वारा कुछ ऐसी आपको कोई कंडीशन ऐसी मिल सकती है कि आपको लगे कि इट्स वर रॉन्ग, मे बी पॉसिबल। उसके अलावा जैसे मैंने बताया फादर के साथ भी आपको कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम कम मिलता हुआ नज़र आ रहा है अथॉरिटी लेवल से भी। उसके अलावा एक कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, इस समय आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस वाली स्थिति में भी रहेंगे, बट बिना सोचे समझे किसी भी तरह का करियर ऑप्ट कर लेना आपके लिए सही नहीं होगा। फिक्स करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा लॉन्ग टर्म बात को सोच करके आप करियर को ऑप्ट कीजिए। ये नहीं कि टेम्परेरी ठीक है मैं 2 साल में इसमें कर लूँ, 6 महीने उसमें कर लूँ, नो डोंट डू इट। एकदम वो थे ना स्टेबिलिटी वाला करियर आपको इस वक्त ऑप्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और पाप करते रहोगे क्योंकि आपके 10th हाउस में इस वक्त निर्माण हो रहा है, तो कहेंगे सैटर्न और राहु दोनों ही इस वक्त आपको इल्यूजन में और डिले में डाल रहे हैं। उसके अलावा आपको इस वक्त कर्म भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करवा रहे हैं 10th हाउस आप, मेहनत का योग है इस वक्त आपका 10th हाउस, बी अलर्ट। ठीक है, सोच समझ के अपना करियर ऑप्ट कीजिएगा, जंपिंग मत कीजिए, जस्ट जंपिंग और दिस थिंग और दिस थिंग और जंपिंग विद अपना बिजनेस ये बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना, डोंट डू इट राइट नाउ, ओके, बिकॉज इल्यूजन वाली स्थिति आपको इस वक्त फील हो सकती है। बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की, कैंसर्स वालों के लिए ये जो पाप करते हुए योगा बन रहा है वो बन रहा है आपका 9th हाउस में। यस, 9th हाउस में इस समय आपका पाप करते हुए योगा का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है आपके लिए कि आपका सबसे पहले तो स्पिरिचुअल पावर है वो आपको लेस होता हुआ नजर आएगा, या कहीं ना कहीं यू फील दैट कि मेरे को मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। इस समय आपको कहीं ना कहीं आपकी करियर की बात कर लूँ या आपकी जो इतने को स्टेबिलिटी की बात कर लूँ रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर सेविंग्स, वो सेविंग्स जो कि आपके नाम लिखी या आई कैन से जो सेविंग्स आपकी पूर्वज या एंसेस्टर्स आपको देके गए हुए हैं, उन सब चीज़ों में आपको इस वक्त लैक फील हो सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप अगर अपने फैमिली के साथ कोई बिजनेस में थे ऑलरेडी से, अपने पूर्वजों के साथ में या अपने फादर के साथ में जो कहते हैं ना खानदानी एक बिजनेस चला आ रहा है उसमें अगर आप थे तो इसमें हो सकता है इस वक्त आप उसे छोड़ने की मूड में हो या वो आपसे छूटता उसे नज़र आएगा। अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स में लैक फील करेंगे, उसके अलावा आपके करियर में प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती है। डोंट डू इट, लॉट्स ऑफ बड़े डिसीजन ना लीजिए, पहली चीज़ ये। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो अपने इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप आपकी ख़राब होने की संभावना है। कैंसर्स वालों के लिए 9th हाउस में पाप करते हुए योगा का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत साथ देती हुई नज़र नहीं आ पाई पा रही आप। इल्यूजन में स्थिति मैं आपको कह सकती हूँ। उसके अलावा सेटर्न ऑल्सो 8th हाउस में आपका ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कर्म करने पड़ेंगे, अगर आपको अपनी सेवा करनी पड़ेगी आई कैन से, अपने एंसेस्टर्स की बात कर लूँ या अपने जो एक होते ना पुरानी पीढ़ियाँ हैं उनको आगे लेकर के आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं न्यूली चीज़ करूँ, मॉडर्न लेवल पे जीऊँ या मॉडर्न थेरेपीज अपनाऊँ या मॉडर्न आपको बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना रहना पड़ेगा। ड्रीम जॉब के मामले में आप अपने पुराने जॉब को ना छोड़ें, समझ रहे, मतलब जड़ों से जुड़े रहना है इस वक्त आपको,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होगा क्या कि आप अपने नए थॉट प्रोसेस से अगर आप आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं रिगार्डिंग और करियर रिगार्डिंग, और वो कहते हैं ना कि मैं इस तरह से नहीं जीता, मैं चेंज ऑफ माई लाइफ, तो वो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए। बी कॉशियस, जड़ों से जुड़े रहिए। अभी स्पिरिचुअल ऑल्सो, स्पिरिचुअल लेवल आपका जितना हाइट रहेगा उतना पाप करते रहिए, योगा से आप बचे रहेंगे, बिकॉज वो आपके नाइन्थ हाउस में ही इस वक्त योग बन रहा है। लियोज वालों की बात करें, लियोज वालों के लिए एट्थ हाउस में पाप करते योगा का निर्माण हो रहा है इस समय, ठीक है। लियोज वालों के लिए कुछ चीज़ें तो बेटर है, क्योंकि पहले जुपिटर वाज ट्रांसिटिंग इन एट्थ हाउस, तो कहीं ना कहीं जो आपका एक विजडम था या आपकी जो पावर थी या आपकी जो खुशियाँ थी वो एकदम वो कितना एट्थ हाउस जस्ट खड्डा उससे निकल करके वो नाइन्थ हाउस में आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बेटर फील हो रही है। उसके अलावा लियोज वालों के लिए एट्थ हाउस में पाप करते योगा बन रहा है, और आपको सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है लियोज वालों की बात करिए वो है आपकी डीप थिंकिंग। इसका क्या है, आप कुछ भी जो भी फैसला लेंगे अपनी ज़िंदगी में, डिसीजन लेंगे अपनी ज़िंदगी में, या कोई कदम उठाएंगे अपनी ज़िंदगी में, उसमें आपको बहुत डीप थिंकिंग होकर के ही गुजरना पड़ेगा। जस्ट लाइटली लेकर कोई चीज़ को बहुत बड़े डिसीजन ना लीजिए, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, नए इन्वेस्टमेंट, नया कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं, उस चीज़ से आपको बहुत अलग रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ या उधार देने की बात कर लूँ या मनी मैटर को लेकर के, यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। एट हाउस है डूबत इन ऑफ द मनी। किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन आप सब मत लीजिए, ठीक है। चाहे वो आपको घर चेंज करने की बात हो जाए, आपको नए इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, आपको आपके आई कैन से शादी की बात हो जाए, आपको अपना पार्टनर चेंज करने की बात हो जाए, आपको किसी भी तरह की जो बड़ी सी चीज़ें होती है, या आपकी लाइफ में कोई गुरु भी आता है, तो भी आप बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। मतलब किसी भी चीज़ में बिग डिसीजन मत लीजिए एटलीस्ट, और अगर आप डिसीजन भी लेना है तो आपको बहुत डीप थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय आपके लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेकर के अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का नहीं है, स्पेशली टिल अक्टूबर 30 अक्टूबर तक, बिकॉज उसके बाद ही राहु विल बी ट्रांजिट इन पाइसिस, तो उस पर स्थितियाँ जो है बदल जाएंगी आपकी, ठीक है। मैं बात करती हूँ वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ये सेवन्थ हाउस निर्माण हो रहा है पाप करते योग। वर्गोज वालों के लिए सबसे बड़ा जो एक आई कैन से चुनौती कह सकती हूँ या जो प्रॉब्लम है वो आ रही है आपके स्पाउस को लेकर। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा आपके जो रिलेशंस हैं उनमें प्रॉब्लम्स इस वक्त आ सकती है, रिलेशन बिगड़ सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है डिवोर्स वाली स्थिति भी आ जाए, क्योंकि आपके जुपिटर जो है एट्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें, वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपको अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप बिना सोचे समझे या सडनली किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाना या शादी कर लेना, शादी का फैसला कर लेना, इस तरह की चीज़ों में आपको इस वक्त अवॉइड करना चाहिए। इस समय क्या है आपका, देखिए वर्गोज वालों की अगर बात करते हो पाप करते हो कैसे बन रहा है आपका, सिक्स हाउस में आपके इस वक्त सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके एट्थ हाउस में इस वक्त जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, और दोनों ही का जो प्रेशर आ रहा है आपके सेवन्थ हाउस में, ठीक। सेवन्थ हाउस आपका एक डिज़ायर प्लेस ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। उस जगह पर आपके डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी इस वक्त आपको, बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। बट सोच समझ के रिलेशनशिप में जाइए, अपने रिलेशनशिप संभालिए अगर ऑलरेडी से आप हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सडनली किसी के साथ में इन्वॉल्व हो जाना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, तो वर्गोज वालों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सोच समझ के आगे बढ़िए रिलेशनशिप। हो सकता है कोई रिलेशनशिप में आप चले जाएं और आपको बाद में लगे कि मैंने क्या कर लिया, कुछ समय बाद जैसे सडनली 10-4 महीने बाद ही यू फील कि मैंने क्या कर लिया, और आपको फिर वो फैसले में आपको लगे कि मेरा फैसला गलत था, तो बी कॉशियस। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपके पाप कर्तव्य योग का निर्माण हो रहा है सिक्स हाउस, फिफ्थ हाउस में सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं और सेवन्थ हाउस में आपके इस वक्त राहु ट्रांजिट कर रहे हैं विद जुपिटर, ठीक है। अब सिक्स हाउस की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपको इस समय लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा बट इनकम आपकी इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट हैं सैटर्न और जुपिटर दोनों ही आपके इलेवंथ हाउस को जो है इस वक्त टारगेट बना के रखे हैं। शनि का सेवंथ एस्पेक्ट आपके इलेवंथ हाउस को देख रहा है, उसके बाद जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट भी आपके इलेवंथ हाउस को देख रहा है। आपको इनकम में कोई कमी नज़र नहीं आएगी, लेकिन कहीं आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अगर वेट कर रहे थे तो इस वक्त हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हुई नज़र आए, या आपको मिल नहीं रही है। आप बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं बट वो मिल नहीं रही है, गेन नहीं हो पा रहा, पहली चीज़ तो ये। यस, उसके अलावा लिब्रा वालों को एक और कहने वाला, आपकी हेल्थ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, नया आपको लोन नहीं लेना है किसी भी तरह का, या आपको नए दुश्मन नहीं बनाने हैं किसी के साथ भी। आप लड़ाई झगड़ा करना या किसी के साथ भी इस तरह की बातों में आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिब्राज वालों के लिए, नए रिलेशनशिप रिगार्डिंग लव अफेयर्स या रिलेशनशिप, उन सब से भी चीज़ों में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इस समय हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाप करते हुए आपके सिक्स हाउस में बन रहा है, सिक्स हाउस इज नॉट ऑलरेडी से ही बैड प्लेस होता है और वहाँ पर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बी अलर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके फिफ्थ हाउस में योगा बन रहा है, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और सिक्स हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं राहु इस समय विद द जुपिटर। ठीक है, फिफ्थ हाउस की बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की, तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ट्वेल्थ अपर ट्वेल्थ हाउस वहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं यू फील डिटैचमेंट विद द ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, तो यू कैन स्टार्ट विद द मंत्रास। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त भगवान के प्रति आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस दोनों ही हैं, फोर्थ हाउस में सैटर्न इज नॉट ए गुड प्लेस, कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट फील करेंगे सारी चीज़ों से। लव अफेयर्स के लिए भी समय आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में जब पड़ जाएँ या डेटिंग करने लग जाए ऐसे इंसान से, जिससे कि आपको लगेगा कि आई वॉज रॉन्ग या मेरा डिसीजन गलत था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अगर आप नए एजुकेशन में या नए लर्निंग में या नई कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़िए, आपका समय नहीं खराब हो जाए। तो आपको लगेगा ठीक है मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे पढ़ना है या जो भी है, लेकिन आपको उस समय बात लगे कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया या ये पढ़ाई मेरे लिए नहीं थी, ये एजुकेशन लाइन मेरे लिए नहीं है। उसके अलावा अगर आप किसी जॉब में भी जाना चाहते हैं तो सोच समझ करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगेगा कि ये मेरा जॉब ही नहीं है, ये मैंने गलत समय खराब किया। आपका समय रूटीन जॉब, योर पढ़ाई, योर लव अफेयर्स, इस समय में आपका समय खराब हो सकता है, या होता है ना कि एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग के साथ इंसान को कदम उठा ले, डिसीजन ले ले, इस तरह की आपको फीलिंग इस वक्त आ सकती है। तो आपको सबसे पहले एक मैं टिप देना चाहूँगी कि डू मंत्रास फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना आप स्पिरिचुअल में जाएंगे उतना आपको रिलैक्स फील होगा, आपके डिसीजन जो है वो सही होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस वक्त रिलेशन विथ योर किड्स भी हो सकता है कि आपके अच्छे नहीं हों, मे पॉसिबल, या आपको लगे कि आपके दो बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से आई कैन से मिसकम्युनिकेशन विथ योर किड्स, मे पॉसिबल। स्कॉर्पियस वालों की बात, सेल्सियस वालों की बात करें, सेल्सियस वालों के लिए फोर्थ हाउस प्राप्त करती होगा का निर्माण। ठीक है, यस, ठीक है, अब हो क्या रहा है आपके आपके थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों में सेटर्न और राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फोर्थ हाउस में पाप प्रतियोगिता का निर्माण हो रहा है। आपके होम टाउन में या आपके मकान संबंधित या आपकी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट मे बी कैन बी रॉन्ग, और ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कोई मकान या जमीन इस वक्त खरीद लें कि आपको लगे कि मैंने घर से लिया या आई मेरा पैसा खराब हो गया या ब्लॉक हो गया आई कैन से। ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई भी नया मकान या नया अपना मकान कोई बड़ा खर्चा डाल करके आप करें, मिड में आप सोचेंगे आई वॉज रॉन्ग, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पहली चीज़ तो ये। अनावश्यक मनी को आपको खर्चा नहीं करना है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा खर्चा इस वक्त बढ़ेगा भी आप, या सेशन सोलों की बात करें, खर्चा इस वक्त बढ़ने के आसार है, यस, खर्चा इस वक्त आप बढ़ाइए अनावश्यक का खर्चा, उस बात को आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा आपको आपके अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपको कहीं एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस संबंधित प्रॉब्लम है, तो इस समय यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ। उसके अलावा आपको अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल एट योर होम टाउन राइट नाउ, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट हैं उनका दोनों ही का जो एनर्जी है वो आपको इस वक्त आई कैन से निगेटिविटी फील कराएंगे एट योर होम टाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग और जो लोग आपके फैमिली में रहते हैं या आपके घर में या आपके शहर में, यू फील नॉट कम्फर्टेबल राइट नाउ। मैं सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, तो भी आपको इस वक्त थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए, और बहुत जल्दी से अपना घर बदलना, होम टाउन बदलना या अपना शहर चेंज कर देना, जहाँ आप रह रहे हैं ना प्रॉपर्टी को अपना चेंज नहीं, प्रॉपर्टी को टच नहीं करना, मेन चीज़ है फिक्स असेट्स को आपको टच नहीं करना, ना चेंज भी नहीं करना, रिलैक्स होकर के समय गुजारिए। हो सकता है आपको डिसीजन बाद में लगे कि आई वॉज रॉन्ग, ठीक है, बी की काम फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपकी माता की हेल्थ का भी आपको इस वक्त ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है आपकी माता के साथ आपके संबंध बिगड़ भी जाए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की, आपके थर्ड हाउस में पाप प्रतियोगिता का निर्माण हो रहा है।
कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इल्यूजन फील करेंगे इसमें, मतलब ये होता है ना कि आई एम द किंग, ऐसी फीलिंग अगर आपको आ रही है तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका पराक्रम बढ़ने की संभावना है, लेकिन उस पराक्रम में हो सकता है कुछ नेगेटिविटी भी मिक्स हो जाए, क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग या आपकी इस तरह की आई कैन से जो सराउंडिंग, जो लोग आपके हैं, जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल हैं या आपके लोग जो भी हैं उनके साथ, या वो लोग कैसे हैं, उन चीज़ों को आपको सोच समझ के उनके साथ दोस्ती करना या कैसे लोगों के साथ आपकी संगत है, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस वक्त पड़ेगा। थर्ड हाउस में आपके बन रहा है ये योग, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। कैप्रिकॉर्न स्क्वायर की बात करें, इस समय कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप इल्यूजन में आकर के ऐसे लोगों के साथ संगत कर लें जो कि लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं, या आई कैन से जो बैड हैबिट्स करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, या दुनिया की नज़र में वो लोग अच्छे नहीं हैं, और उन लोगों के साथ आपकी जो दोस्ती है या संगत है उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको आपकी जो इमेज है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सोच समझ कर अपने दोस्तों को चुनिए, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आप किस तरह से किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप किसी के साथ किस तरह से आई कैन से पेश आते हैं, इंटरेक्ट विद समवन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न वालों को कि इस समय आपका, अगर आपको इस बिजनेस में भी हैं जो कि टूवर्ड्स आई मीन मोबाइल या यूट्यूबर या आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप इस तरह का काम करते हैं, उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस समय। अगर आप इस तरह का काम करते हैं, अपीयरेंस फ्रॉम आपका क्या अपीयरेंस है, दुनिया आपको किस तरह से देख रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अलर्ट रह करके इस वक्त चलना पड़ेगा, या आप किसी को कमेंट भी कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, या आप किसी बात भी कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, तो आप किस तरह ट्वीट कर रहे हैं, किसी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पिक डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इस वक्त हो सकता है आपकी इमेज ख़राब हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की, एक्वेरियस वालों की आ रहा है ये सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में पाप करती योग का निर्माण होना, दैट इज हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको एक बताऊँ कि आप सेकेंड हाउस क्या होता है, सेकेंड हाउस आपकी फैमिली होता है, सेकेंड हाउस होता है आपका नरिशमेंट प्लेस, वहाँ जा आपको फूड मिलता है, वहाँ जा आपका बचपन गुजरता है, वहाँ जा आपको आई टेक केयर होता है कि हाँ ये ऐसी जगह है जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली है, यहाँ मेरा फूड है, यहाँ मेरी वो सब चीज़ें हैं जहाँ जहाँ मैं सिक्योर फील करता हूँ। उसके अलावा सेकेंड हाउस इज योर फिक्स असेट्स, मनी वाली, जो आप एक FD करवाते हैं जहाँ से हाँ ये मेरा सिक्योर प्लेस है, इनकेस मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से पैसा ले लूँगा, दैट इज़ योर सेकेंड हाउस, ठीक है। अब वहाँ पर पाप करते होगा बन रहा है, पहली चीज़ तो ये है एक्वेरियस वालों को मैं बात करूँ कि आपको कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा फील होगा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या सब फैमिली सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे थे या जो आप डिमांड कर रहे थे, पहली चीज़। उसके अलावा आपके फिक्स असेट्स भी सब टूटती हुई नज़र आ रही है, कहीं नहीं हो सकता है कि आप उसको यूज़ कर लें, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपके ऑलरेडी जो आपको पैसा आपके पास है उसको आपको सिक्योर करना है, सिक्योर विथ आपकी फैमिली के साथ भी आई कैन से रिलेशनशिप, और आपकी जो FDs हैं उनको भी आपको सिक्योर करके चलना है। इसके लिए आपको एक बार टिप देना चाहती हूँ एक्वेरियस वालों को बहुत जल्दी से, वो ये है कि आपकी बात करने का तरीका, व्हेन यू टॉक विथ समवन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू टॉक विथ योर फैमिली, व्हेन यू आपकी जो बात करने का तरीका है, सेकेंड जो आप जो बात कर रहे हैं, आपका जो मुँह है, उन शब्दों पर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बात करने के तरीके या आपके ब्लंट नेचर या ब्लंट आई कैन से वर्ड्स की वजह से आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए फॉर एवर, दैट इज़ वेरी नॉट गुड। और जैसे मैंने बताया आपको आपकी एवरेज या जो सेविंग्स है जो आपने बैंक में रख रखी है उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सोच समझ करके उनको तोड़िए अगर आपको ज़रूरत हो, यस। अब बात करती हूँ फाइनली मैं पाइसिस वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में पाप करती योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपके 12th हाउस में इस वक्त सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं और सेकंड हाउस में आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में पाप करती योग का निर्माण होना, ठीक है, दिट इज़ नॉट ए वेरी गुड साइन। पहली चीज़ तो ये कि आपके दिमाग में इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फील करेंगे टूवर्ड्स कर्मास, कि मुझे कर्म भी करना पड़ेगा कर रहा है, या मुझे इस तरह का काम करना पड़ रहा है, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा क्या है, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी प्लानिंग्स इस समय आपको लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रही है, लॉट्स ऑफ प्रेशर इन योर माइंड, इल्यूजन में भी जी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको इस तरह दिमाग की बिल्कुल स्थिरता फील नहीं होगी, और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी वो सारी निगेटिविटी को लेकर के आएगी, चाहे वो सैटर्न का इन्फ्लुएंस मैं कह सकती हूँ, या आपको मैं
राहु का इन्फ्लुएंस कह सकती हूँ, दोनों ही जो साइड है, क्योंकि पाप करती योगा जो है बहुत ही, देखिए ट्वेल्थ और सेकेंड हाउस दोनों ही जो जगह है, एक इंसान फर्स्ट हाउस जो यू खुद, जो आप खुद होते हैं उसको पूरा ब्लॉक करके बैठे हुए, ठीक है, तो आपको एकदम ब्लॉकेज वाली स्थिति फील होगी, इसमें कर्म कर रहे हैं, इल्यूजन वाली स्थिति है, काम कर रहे हैं, बैंक भर रहे हैं, फैमिली के लिए भाग रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी इस वक्त वेव वाली फीलिंग भी आपको आ सकती है, थॉट प्रोसेस बहुत निगेटिव हो सकता है, बहुत दिमागी डिप्रेशन और टेंशन, ये चीज़ इस वक्त आपको फील हो सकती है, वो भी हेल्थ लेवल पर। सबसे पहले आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपका जो दिमाग है उसको आपको कूल करके ही आगे कोई फैसला लेना है, जल्दीबाजी में फैसला लेना, गुस्से में फैसला लेना, या एक होता है ना कि फंसी वाली स्थिति में जब इंसान निकलता है तो कुछ भी सोच समझ के आगे निकल जाता है, ठीक है देखेंगे, वो वाली स्थिति आपको नहीं करनी है अपने लिए। टेंशन वाली स्थिति से आदमी कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, और उसको कुछ भी डिसीजन लेके निकल जाता है या कुछ भी चीज़ें ऑफ कर लेता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैड हैबिट से दूर रहना है, उसके अलावा अपने फैमिली के साथ में भी रिलेशन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इट्स नॉट ए गुड योगा फॉर स्पेशली फॉर द फर्स्ट हाउस में बनना पाप, इसको अवॉइड कीजिए, बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, और काम रहकर ही डिसीजन लीजिए। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, पाप कर्तरी योगा जो कि 30 अक्टूबर तक बन रहा है, सभी की जॉडिक साइन की बात कर रही हूँ, सभी की आई कैन से होरोस्कोप पीस ऑफ निर्माण हो रहा है अगले 6 महीनों के लिए, तो बी अलर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बी स्पिरिचुअल, क्योंकि ये पाइसेस से बन रहा है तो कहीं ना कहीं पाइसेस जो हमारा जो साइन है वो स्पिरिचुअल यानी कि टूवर्ड्स कनेक्शन विद द गॉड्स है, कि कालपुरुषा कुंडली में 12th हाउस आता है पाइसेस, तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ही आप अपनी जो ये योग है इससे इजीली निकल सकेंगे, और कोई भी बड़ा डिसीजन स्पेशली इस वक्त आप ना लीजिए, ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग माय ब्रिलियंट ब्लॉग।